प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय आईटेक्स व डायल 112 असीम अरुण कुमार ने मंगलवार को जनपद के यूपी 112 के कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एसपी क्राइम व यूपी 112 के नोडल अधिकारी अशोक कुमार वर्मा, एएसपी व सीओ कैंपियरगंज राहुल भाटी, सहायक पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह, वीरसेन सिंह व उप निरीक्षक नीरज कुमार यादव एवं अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण के पश्चात एडीजी असीम अरुण द्वारा पुलिस लाइन स्थित मेस सभागार में बैठक की। बैठक में एडीजी असीम अरुण ने नया सवेरा अभियान के तहत जनपद के सभी थानों द्वारा थाना क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों का अधिक से अधिक पंजीकरण कर उनके शिकायत के दौरान यथाशीघ्र मदद हेतु पुलिस सहायता उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। यूपी 112 पर घरेलू हिंसा की आने वाले प्रत्येक शिकायत पर प्रबल प्रतिक्रिया देने तथा पीआरवी कर्मियों द्वारा गंभीरता के साथ विधिक कार्रवाई करने के बारे में निर्देशित किया गया तथा अन्य बिंदुओं की समीक्षा की। इस दौरान अपर पुलिस महानिदेशक असीम अरुण द्वारा यूपी 112 में पीआरवी पर नियुक्त कांस्टेबल दिलीप कुमार, उपेंद्र सिंह, राजू कुमार, दिग्विजय नाथ यादव एवं महिला आरक्षी गुड़िया यादव, महिला आरक्षी चंद्रकला कन्नौजिया तथा होमगार्ड अनिल सिंह व सुदर्शन को इनके द्वारा सराहनीय कार्य हेतु प्रोत्साहित करने हेतु प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और यूपी 112 की कार्यप्रणाली की सराहना भी की गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा। आप लोग को प्रशस्ति पत्र पहले आ चुके हैं। आप पीआरवी और गडेल करा होगा ना? हाँ सर, पीआरवी और गडेल सर जी। लेकिन आज मैं हूँ तो सौभाग्य है कि हमको ये काम मिलता है, वरना अगर आप पुलिस में ना हो तो आपने या इस मौके से पहले कितनी बार किसी की जान बचाने का मौका मिला? कभी नहीं मिलेगा। बहुत कभी कभार किसी नागरिक को मौका मिलेगा, लेकिन पुलिस का भी वो ये मौका बार बार मिलता है। शाबाश दिलीप कुमार। शाबाश प्रणाम। दिग्विजय नाथ यादव। शाबाश। राजू कुमार। बहुत अच्छे। शाबाश। अब आ गया जी। यार ये ऐसे काम हैं जो हर इंसान करना करता है कि उसको ऐसा अवसर मिले, लेकिन कम मिलता है, और अगर मिलता है तो वाह उत्साहित होते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन पुलिस की नौकरी ऐसी है और खासकर पीआरवी की नौकरी ऐसी है जहाँ पे रोज ही हमको लोग बुलाते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी जान बचाओ, मैं परेशानी हूँ, मुझे सहायता चाहिए। तो इससे ज़्यादा पुण्यकार और क्या हो सकता है, और उस पुण्य कार्य को करने के लिए हमें तनख्वाह भी मिलती है। हमको ये समाज सेवा के रूप में निकलते हैं, इसको हमारा परिवार चलता है इसी के जरिए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें
इतने अच्छे तरीके से खोने कमाने का अवसर भी मिलता है और साथ साथ हम अपने रोजी रोजी चलाते हैं। 112 की गलतियाँ नहीं होती या खराबियाँ नहीं होती, होती हैं, हमारी कमियाँ भी होती हैं। तो जहाँ एक और आज इस अवसर पर मैं शाबाशी देना चाहता हूँ, ये भी निर्देशित करना चाहता हूँ और एक योजना देना। हमारी कमी ये आती है जिसका मूल निकाला जाता है तो कोई हमारा साथी कर्मी शराब पी के आ गया होता है या कोई हमारा साथी कर्मी किसी के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, बात पड़ जाती है, रास्ते में जाए तो चलने के मेरे नंबर आई है, पहले वहाँ पर मीटिंग थी। अब हाँ, ये हमारे एडीजे 112 कुशीनगर के नोडल अधिकारी भी हैं, तो वहाँ से वापसी को प्रांत आज यहाँ पर 112 का सर ने निरीक्षण किया और ये यहाँ के 112 की सक्रियता क्या है, रिस्पांस टाइम क्या है, बहुत ढेर सारे पहलुओं पर ये सर ने समीक्षा किया। समीक्षा के बाद निर्देश में मिले जो बहुत ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं, ख़ासतौर से सवेरा योजना जो ये हमारे ये सीनियर सिटीजन हैं उनके बारे में, कहाँ भी और सुधार की आवश्यकता है, कहाँ हम लोग और सुधार कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर 112 के में आज सर का निरीक्षण हुआ है। हाँ, 8 लोग थे या 10 लोग? 8 लोग। हाँ, जिनका काम अच्छा रहा। अभी कुछ दिन पहले एक महिला आत्महत्या शायद वो कर चुकी थी, मतलब ये उन्होंने प्रयास किया था तो उनको रेस्क्यू करके दरवाज़ा तोड़ करके उनको बचाया गया। इस तरह से और भी एक चोरी के इवेंट में चोर को पकड़ा गया, ऐसे जिन हमारे पीआरवी कर्मियों ने अच्छा काम किया था उनको सम्मानित किया गया, उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया।